तो आगे चलते हैं आईसीसी के इंडियन फिजिक्स इकाई 2 में। आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा से संबंधित आप लोगों को नोट में लिखवा रहा है कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तभी यह अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। अगला जो है प्रश्न है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला नियत दिश धारा, वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है उसे नियत दिश धारा कहते हैं। इसे डीसी द्वारा सूचित किया जाता है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ पर फिगर है, यानी कि ये प्रवाहित धारा आई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय टी है और ये दर्शा रहा है कि ये नियत है, ये पीटी की ओर जा रहा है, यानी कि ये नियत है। अगला कह रहा है कि परिवर्ती या परिवर्तनीय दिश धारा, वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा ध्रुवता समान रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा फिगर है विद्युत धारा, यानी कि और यह हमारा क्या है समय है, तो कह रहा है कि ध्रुवता तो समान है, यानी कि यह हमारा उत्तर की ओर है और यह हमारा पश्चिम की ओर है, यानी कि वाई है एक्स है जो भी आप लोग को दर्शाया है, पूरब पश्चिम जो भी, यानी कि नीचे भी हो सकता है इधर भी हो, तो ध्रुवता तो समान है लेकिन परिमाण कह रहा है ये समय के साथ बदल रहा है, कम बेसी हो रहा है, तिरछा तिरछी हो रहा है, ये आप लोग को दर्शा रहा है। तीसरा कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा, वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा अपरिवर्तित रूप से बदलती रहती है, तो इसे एसी द्वारा सूचित करते हैं जिसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट करंट। ये हमारा आप लोग को देखे हैं, ये आई है और ये समय है और ये हमारा देखा रहा है आगे की ओर, यानी कि कहने का मतलब है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है और ये दिशा जो है अपरिवर्तित रूप से बदलती रहती है इसमें। तो आगे चलते हैं।